नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म में होने वाले 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण विवाह के संबंध में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी रही हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शादी एक ऐसी रस्म है जिसमें दो आत्माएं एक हो जाती हैं। हिंदू धर्म में समाज और अग्निदेव को साक्षी मानकर हम 7 फेरे और 7 वचन लेते हैं, लेकिन आप सब में से बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा कि ये 7 फेरे ही क्यों दिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है जब तक कि हम 7 फेरे नहीं लेते हैं शादी पूरी नहीं मानी जाती है। विवाह में लिया जाने वाला हर एक फेरा एक विशेष वचन के लिए होता है। इस प्रक्रिया को सप्तपदी कहते हैं। इन वचनों और फेरों के साथ पति पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। इन 7 फेरों को हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ माना गया। मित्रों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में 7 का विशेष महत्व होता है, क्योंकि संगीत के सुर 7, इंद्रधनुष के रंग 7, 7 ग्रह, 7 ऋषि, 7 लोग, सूरज के घोड़े 7, 7 धातु, 7 तारे, 7 दिन और 7 परिक्रमा का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। इन 7 चक्रों का सीधा संबंध विवाह से होता है। विवाह करने वाले वर वधु को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित करना होता है। मित्रों, इन 7 फेरों में लिया जाने वाला पहला फेरा भोजन व्यवस्था के लिए होता है, वहीं दूसरा फेरा आहार और संयम के लिए होता है, तीसरा धन प्रबंधन के लिए किया जाता है, चौथा आत्मिक सुख के लिए होता है, पांचवा पशुधन संपदा के लिए और छठा हर ऋतु में सही रहन सहन के लिए, और अंतिम 7वें फेरे में पत्नी अपने पति का अनुसरण करते हुए ताउम्र उसके साथ चलने और साथ निभाने का वचन देती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करना न भूलें।